नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। 9 दिसंबर यानी कि आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का मकसद भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का कारण ये है कि दीमक रूपी भ्रष्टाचार हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार समाज और देश के विकास की सबसे बड़ी समस्या है। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और इसे खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को मनाने का प्रस्ताव 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में पारित हुआ था। तब यूएन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया था। इसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल थीम जारी की जाती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2001 का विषय है, आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें कोविड-19 के प्रभाव में, जब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है, तो भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में प्रत्येक व्यक्तिगत हितधारक के अधिकारों और जिम्मेदारियों को उजागर करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन, शिक्षा, मीडिया और युवा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का महत्व विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है और भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है और ये बताना है कि किसी को इससे कैसे और क्यों बचना है। इस दिन एंटी करप्शन ग्रुप्स काफी सक्रिय रहता है जो लोगों को जागरूक करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।